गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता साहनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट थ्री के थर्ड पेपर के अंतर्गत लैक कल्चर या लाख के संवर्धन के बारे में बात करेंगे। लाख के बारे में आप सभी जानते होंगे, उसका उपयोग भी किया होगा आप में से कईयों ने। इसका बहुत ही पुराने टाइम से यूज़ भी हो रहा है, महाभारत में भी इसका जिक्र है, जब कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षाग्रह का निर्माण करवाया था। लेकिन इसका साइंटिफिक स्टडी इसकी शुरू हुई 1782 में, जब कैर और ग्लोवर ने इसके बारे में बताया। लाख का कल्टीवेशन या लाख को उत्पन्न करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती। ये लाख है क्या? एक्चुअली ये एक रेजिनस सिक्रीशन है, चिपचिपा पदार्थ जो कि इंसेक्ट के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इस इंसेक्ट को लैक इंसेक्ट कहते हैं और जूलॉजिकल नेम है इसका लैसिफर लैका। अब लाख का कल्चर करने के लिए कमर्शियल लेवल पे, जब बहुत लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है, लाख को प्राप्त करने के लिए इस इंसेक्ट का पालन किया जाता है, उसे हम लैक कल्चर कहते हैं। अब ये जो लाख है, ये एक इंसेक्ट है जैसा हमने कहा, तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है इंसेक्ट, जो कि ऑर्डर हेमिप्टेरा का एनिमल है। फैमिली इसकी है लैसिफेरिडी और जीनस है लैसिफेरा, स्पीशीज लैका। तो ये इंसेक्ट बहुत ही पतला होता है, बहुत ही छोटा होता है, क्रॉल करता है, स्केल इंसेक्ट टाइप ये होता है, और ये अपनी माउथ पार्ट्स के द्वारा प्लांट के टिश्यू को प्रिक करके उसको, उसके जूस को सक करता है, चूसता है और उसी पर ग्रो करता है, और उसके बाद फिर अपनी बॉडी का जो पोस्टीरियर एंड है, पिछला भाग है, वहाँ से एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है और उस सिक्रीशन के द्वारा अपने चारों तरफ एक सेल या चैम्बर साई बना लेता है। तो एक्चुअली ये जो लैक सिक्रीट होता है या जो लाख सिक्रीट होता है इस इंसेक्ट के द्वारा, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये सिक्रीशन सिक्रीट करता है। और जो लार्ज नंबर में लैक प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा मात्रा में लाख जो प्रोड्यूस होता है, वो फीमेल के द्वारा होता है, जो कि अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है, और ये एक्चुअली होस्ट प्लांट के लिए हानिकारक होता है। मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं। मेल जो है रेड कलर का होता है, जिसका साइज़ छोटा होता है, करीब 1.2 से 1.5 मिलीमीटर तक ही इसका साइज़ होता है, और इससे जो लाख सिक्रीट होता है वो थोड़ा सा ब्राइट सा और क्रीम कलर का होता है। मेल जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड टाइप का होता है, आईज भी उसकी रिड्यूस्ड होती हैं और एंटीनी उसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ पार्ट्स इसके पियर्सिंग और सकिंग टाइप के होते हैं, सक करने के लिए और भेदने के लिए, क्योंकि ये प्लांट टिश्यू पर फीड करता है, तो उस प्लांट टिश्यू को भेदने के लिए और उसके जूस को सक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं इसके माउथ पार्ट्स। और इसका जो थोरेक्स रीजन या वक्ष भाग है, उसमें 3 पेयर लेग्स होते हैं और 1 पेयर विंग्स के इसमें पाए जाते हैं। फीमेल जो है वो साइज में बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, जो कि 4 से 5 मिलीमीटर तक की होती है, और ये फीमेल अपने आप को एक रेजिनस सेल के अंदर या कवर के अंदर अपने आप को इंक्लोज कर लेती है। और फीमेल का जो हेड, थॉरिक्स और एब्डोमन है वो क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, और माउथ पार्ट जो है इसके भी पियर्सिंग और सकिंग टाइप के होते हैं, भेदने के लिए और चूसने के लिए होते हैं। इसके अलावा एंटीनी भी इसका डीजनरेटेड टाइप का होता है, क्लियरली विजिबल नहीं होता, और बॉडी का जो पोस्टीरियर एंड है उसमें एक मीडियन और 2 लेटरल प्रोसेसेस या प्रवर्ध पाए जाते हैं, और इसके जो लेग्स हैं वो भी डीजनरेटेड फॉर्म में हैं होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो फीमेल जो है वो डीजनरेटेड फॉर्म में होती है, क्लियर स्ट्रक्चर उसका नहीं होता। अभी जैसे मैंने कहा, ये प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, प्लांट पर ही रहता है, तो जिस प्लांट पर ये रहता है उसे होस्ट प्लांट कहते हैं।
इंसेक्ट उस प्लांट के ऊपर पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में रहता है और उसी के स्टेम के या ट्रीज या शब जो है उसके जूस पर ये फीड करता है। तो कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं जिनके ऊपर ये ग्रो करता है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से मेन ट्रीज हैं जिनके ऊपर ये ग्रो करता है, एक है खैर, कुसुम, बेर, बबूल, पीपल, गूलर, आम, साल, अंजीर, शीशम और पलास। ये मेन ट्रीज हैं, मुख्य ट्रीज हैं जिसमें कि जिसके ऊपर ये रहता है, ग्रो करता है, परजीवी की तरह वहाँ रहता है। आपको अगर ध्यान हो, आपने गूलर का पेड़ कहीं ने देखा होगा, आम गूलर के ऊपर टहनियों पर छोटे छोटे सी लाल लाल डॉट्स से दिखाई देते हैं, कुछ जैसे इकट्ठा हुआ हुआ हो, तो वो इंसेक्ट का ही एक्यूमुलेशन उसके कारण होने के कारण होता है। और जो लेग की जो क्वालिटी है वो होस्ट प्लांट की क्वालिटी पर डिपेंड करती है कि किस तरह का होस्ट प्लांट है, ट्री कौन सा यूज़ किया गया है, कौन सा ट्री है, उसी के हिसाब से उस लाख की क्वालिटी होती है। इनमें से जो मेन है खैर, कुसुम और बबूल, इन ट्रीज पर जो इंसेक्ट रहते हैं उनका अच्छी क्वालिटी का लाख उससे प्राप्त होता है। लाइफ हिस्ट्री की बात अगर हम करें, लाइफ हिस्ट्री इसकी, हर एक फीमेल जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद करीब 200 से 500 अंडे देती हैं, जो कि एक शेल में कवर रहते हैं। और इसके बाद फीमेल जो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अपने अंदर, शेल के अंदर, और एग्स जो हैं या अंडे जो हैं मेनली अक्टूबर और नवंबर में दिए जाते हैं। करीब 6 हफ्तों बाद, अंडे देने के 6 हफ्तों बाद अंडे जो हैं उनमें हैचिंग होती है और फर्स्ट इंस्टार निम्फ इसमें बनता है, और नवंबर दिसंबर के करीब ये होता है। और जब निम्फ उससे शेल से या उस कवर से एक साथ बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर निकलते हैं, इमर्ज आउट होते हैं, तो इन निम्फ्स का एक साथ बहुत सारी संख्या में उस शेल से या कवरिंग से बाहर निकलना स्वार्मिंग या वृंदन कहलाता है। तो इसका जो निम्फ है जो बाहर निकलता है उस समय बहुत छोटा होता है साइज में, केवल आधा मिलीमीटर के करीब, 0.5 मिलीमीटर इसका साइज होता है, जो कि रेड कलर का होता है और बोट शेप होता है। और उसके हेड पर एक पेयर एंटीनी होता है, छोटी छोटी दो आंखें होती हैं, और इसके अलावा इसमें प्रोबोसिस होती है, प्रोबोसिस जो कि इसको पियर्स करने में मदद करती है। तो माउथ पार्ट्स जो हैं इसके वो पियर्सिंग और सकिंग टाइप के, यानी भेदने के और चूसने के लिए होते हैं। इसके अलावा थोरेक्स रीजन जो है 3 सेगमेंट्स उसमें होते हैं, और 2 पेयर्स उसमें स्पाइरेकल्स होते हैं और 1 पेयर वॉकिंग लेग्स के इसमें, या चलने के लिए टांगे इसमें पाई जाती हैं। और एब्डोमेन रीजन जो है उसमें 2 पेयर्स लेग के होते हैं, और उसका जो पोस्टीरियर एंड है वो उसमें कॉडल सीटी प्रेजेंट होते हैं। तो जो निम्फ एक्टिव होते हैं वो धीरे धीरे फिर क्रॉल करने लगते हैं ताकि थोड़ी डिस्टेंस कवर सकें, थोड़ा आगे बढ़ सकें, और इमर्ज होने के एकदम बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो भोजन की तलाश में मूव करते हैं, और मूव करते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, होस्ट प्लांट पे पहुँच जाते हैं। और ये होस्ट प्लांट जो होता है उसकी जनरली जो सॉफ्ट ट्विग्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं छोटी छोटी, जो कि सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं होस्ट प्लांट की, उसके ऊपर ये फीड करता है और धीरे धीरे उस पूरी टहनी को कवर कर लेता है। तो बहुत सारे निम्फ एक साथ एक टहनी पर सेट हो जाते हैं, और इस तरीके के जो निम्फ एक साथ उस पर सेट हो गए, बहुत थोड़े से एरिया में इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद ये प्लांट के जूस को सक करने लगते हैं, होस्ट प्लांट को, और होस्ट प्लांट को सक करते हैं और साथ में अपने चारों तरफ एक सिक्रीशन, ये रेजिनस सिक्रीशन सिक्रीट करने लगते हैं अपनी स्पेशल ग्लैंड्स के द्वारा, जो कि इनकी बॉडी पर प्रेजेंट
प्रेजेंट होती हैं, और जैसे ही रेजिनस सिक्रीशन उनकी बॉडी से बाहर आता है और हवा के कांटेक्ट में आता है, हवा के कांटेक्ट में आते ही ये एकदम हार्ड हो जाता है और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है उसके चारों तरफ, निम के चारों तरफ, जिसे सेल कहते हैं। और इस सेल के अंदर या इस कोष्ठ के अंदर या इस चैम्बर के अंदर इसके सारे लाइफ प्रोसेसेस आगे होते हैं, जैसे कि निम जो है आगे ग्रो करेगा, आगे साइज में बढ़ेगा, उसमें कई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और फिर वो लैक सिक्रीट करने लगता है। तो मेल की जो सेल है या जो उसका चैम्बर है वो थोड़ा सा लंबाई में सिगार के आकार का होता है, जिसमें कि दो छेद होते हैं, एक एंटीरियर साइड पर और एक पोस्टीरियर साइड पर। और पोस्टीरियर साइड का जो छेद है या होल है वो एक फ्लैप या ओपरकुलम द्वारा ढका हुआ होता है, और जो मेल इंसेक्ट है इसमें से वो उस ओपरकुलम को खोल के बाहर निकल जाता है, और फिर 6 से 8 हफ्तों के बाद में वो निम्फ जो है वो मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, उसमें कायांतरण हो जाता है, जिसके कारण उसमें फिर विंग्स डेवलप हो जाएंगे और उसमें से फिर वो बाहर निकल आता है। और जो फीमेल्स हैं वो विंगलेस होती है, उनमें विंग्स का फॉर्मेशन नहीं होता, तो क्योंकि विंग्स नहीं होता तो फिर वो उड़ नहीं पाते और वहीं होस्ट प्लांट पर वो फिक्स हो जाती है, वहीं पर फिक्स हो जाती है और एक अपने चारों तरफ फिर वही रेजिनस सिक्रीशन सिक्रीट करेंगी और वहाँ पे जम जाती हैं वो। मेल जो वहाँ से बाहर निकले वो फीमेल्स को फिर से फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। लाइफ साइकिल जो है वो 1 साल में 2 बार हो सकती है एक ही प्लांट के ऊपर। लाइफ साइकिल बहुत ही छोटी होती है और मेल जो है बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता लाक के सिक्रीशन में, और फीमेल जो है अपनी थ्रू आउट लाइफ जितना टाइम तक जीवित रहती है वो अपने सिक्रीशन सिक्रीट करती है अपने लाइफ टाइम में, और उसका जो लाइफ स्पैन है या जीवन काल है वो मेल के कंपैरिजन में या मेल की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। तो ज़्यादातर लाक जो प्रोड्यूस होता है बनता है वो फीमेल इंसेक्ट के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, और लाइफ साइकिल मेनली वैसे वहाँ का जो जैसा मैंने बताया था लाक की क्वालिटी भी उस पर डिपेंड करती है। तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं उस रीजन के कि जहाँ पर ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है।